हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, हमने क्या है, अगर आप हमने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि क्या है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच है। आप चाहे इंडिया का कोई एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, आप उन सभी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बैच काफी इंपॉर्टेंट है और इस बैच के अंदर हम क्या है, जो GS है, GS के अंदर आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको करवाएंगे। आप चाहे कोई नेशनल एग्जाम हो, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हो, एक बार हमारी वीडियोज को पूरा देख लेना, ये वीडियोज आपके काफी काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप क्या है, हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और हम जो तैयारी करवाते हैं वो क्या है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, आप एक बार वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आप क्या है, वीडियो की लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भारत के पड़ोसी देश। देखो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के बारे में आज हम बहुत सारी जानकारी जानेंगे। यहाँ से क्या है, बड़े से बड़े एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्या है, इस टॉपिक को पिक किया है। देखो दोस्तों, मैं आपको जो GS की टॉपिक करवाऊंगा, मैं स्पेशली वो टॉपिक करवाऊंगा जहां से क्या है, सभी एग्जाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं और वो टॉपिक क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक क्लियर करवा देता हूं तो मतलब आपको क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पता चल जाते हैं। यानी कि अगर उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पिक किया जाता है एग्जाम के लिए तो आप उन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत के पड़ोसी देश में जो पहला पड़ोसी देश है दोस्तों, वो कौन सा है, बांग्लादेश है। तो अब हम बांग्लादेश के बारे में सारी जानकारी जानेंगे। जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है दोस्तों, हम उनकी सभी की जानकारी जानेंगे। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। जो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों, ढाका है। और मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और वही एक जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, अमार सोनार बांग्ला, वो भी क्या है, हमारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। यानी कि दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखने वाले वो क्या है, पूरे संसार के पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों, वो क्या है, टका है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आपको वीडियो में काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि ये भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, हमने उनसे संबंधित जितने भी मेन मेन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे पिक कर लिए हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा कौन सी है, टका है, संसद कौन सी है। देखो दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी क्या है, जो पड़ोसी देश होते हैं, वहां की जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि उस देश की संसद का नाम क्या है। जैसे भारत की संसद को क्या कहते हैं, संसद ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। संसद कौन सी है, जातीय संसद है। ठीक है, जो बांग्लादेश की जो संसद है वो कौन सी है, जातीय संसद है। भाषा कौन सी है दोस्तों, बंगाली। जो बांग्लादेश है उसकी भाषा कौन सी है, बंगाली भाषा है। और जो बांग्लादेश है वो क्या है, हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आप सभी जानते होंगे और पाकिस्तान से रिलेटेड मैं कुछ भी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि ये वीडियो क्या है दोस्तों, GK के संदर्भ से ली गई है। तो मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ। जो पाकिस्तान की राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद है। मुद्रा कौन सी है, पाकिस्तानी रुपया। भारत की जो करेंसी है वो भी क्या है, रुपया है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा कौन सी है, पाकिस्तानी रुपया। संसद कौन सी है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, बांग्लादेश की क्या थी, जातीय संसद थी। और जो पाकिस्तान की जो संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। ठीक है, भाषा कौन सी है दोस्तों, देखो पाकिस्तान में अधिकतर क्या है, मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, तो वो क्या है, उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो पाकिस्तान की जो राजभाषा है वो कौन सी है, उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के बीच क्या है दोस्तों, SKK एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल से जुड़कर क्या है, सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहां पर नेपाल। देखो दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्या है, ये इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम में क्या है, आपको बहुत से एग्जाम की क्या है, PDF मिल जाएगी। और वहां पर आपको क्या है, जो लेटेस्ट एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं उनकी भी जानकारी मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल में भी आप क्या है, ज्वाइन कर लेना। अभी जो तीसरा देश है वो कौन सा है, नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है, काठमांडू है। और मुद्रा कौन सी है दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है, नेपाली रुपया। संसद कौन सी है, राष्ट्रीय पंचायत। यहां से भैया क्वेश्चन, नेपाल से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन क्या है,
जो हरियाणा के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो नेशनल एग्जाम है वहां पर भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो नेपाल की जो संसद का नाम है वो क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। भाषा कौन सी है, अभी नेपाल है तो वहां की भाषा कौन सी हो गई, नेपाली। ठीक है, नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों, काबुल। अभी अफगानिस्तान में क्या है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही मतलब जो दुख भरा क्या है, एक वहां पर घटना घटित हुई है, तालिबान ने क्या है जो अफगानिस्तान पर क्या है अधिकरण कर लिया है, वहां पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों उस टॉपिक पर भी मैं कभी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पर वीडियो लाऊंगा, उस टॉपिक पर भी मैं क्या है एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल पर जुड़कर क्या है करंट अफेयर की वीडियोज भी देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान के दोस्तों जो राजधानी है वो क्या है, काबुल है। मुद्रा कौन सी है, अफगानी। ठीक है, यहाँ पर रुपया नहीं है, यहाँ पर मुद्रा कौन सी है दोस्तों, अफगानी है। और जो संसद का नाम है वो क्या है, शोरा। जो संसद है अफगानिस्तान की, जो संसद है उसका नाम क्या है, शोरा। और जो यहाँ पर भाषा है वो कौन सा है, पश्तो दारी। ठीक है, पश्तो दारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, भूटान। ऐसा माना जाता है एशिया में जो सबसे गरीब देश है वो क्या है, भूटान है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक भी थिएटर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ये देश काफी खूबसूरत है। और इसने, इसके पास जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का यूज करते हुए भी क्या है ये अपना जीवन यापन यहाँ के लोग आसानी से कर रहे हैं। तो भूटान की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, थिम्पू है। मुद्रा क्या है, गुलट्रम। ठीक है, जो जापान की जो मुद्रा है, जो करेंसी है वो क्या है, गुलट्रम है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि जो भूटान की जो मुद्रा है वो कौन सी है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां पर गुलट्रम है तो टिक कर लेना। लेकिन कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो गुलट्रम है वो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो आपने क्या है भूटान पर टिक करना है। ठीक है, संसद कौन सी है दोस्तों, पार्लियामेंट है वो क्या है, संसद है। ठीक है, भाषा कौन सी है, जोंगखा। ठीक है, जो भूटान की जो भाषा है वो कौन सी है दोस्तों, जोंखा है। तो यहां से दोस्तों मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि मैं आपको टॉपिक वाइज सभी टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। जीएस में क्या है, अगर मैं आपको टॉपिक क्लियर करवा देता हूं तो वहां से आपको आसानी हो जाएगी, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मगर मैं आपको वीडियो पूरी देखनी है, अगर आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप करते हो तो आपको वो जानकारी भी आपके नॉलेज से स्किप हो जाएगी, यानी कि एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, म्यांमार। म्यांमार भी क्या है दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश है। और इसकी राजधानी क्या है, नेपिडाउ। नेपिडाउ, नेपिडाउ क्या है इसकी राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है, कयात। ठीक है, म्यांमार की जो करेंसी है वो कौन सी है दोस्तों, कयात है। संसद का नाम क्या है, पयुथी हटाओ या हुताव। ठीक है, पयुथी हटाओ या हुताव क्या है ये जो ने में ये क्या है म्यांमार की संसद का नाम है। भाषा कौन सी है दोस्तों, बर्मीज। ठीक है, म्यांमार की जो भाषा है दोस्तों वो कौन सी है, बर्मीज है। नेक्स्ट देखो, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है दोस्तों, ये भी भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। और जो जलीय सीमा, ठीक है, भारत की जो जलीय सीमा है वो क्या है, श्रीलंका के साथ लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो श्रीलंका की राजधानी है वो क्या है, कोलंबो है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको विचलित नहीं होना है, अगर श्रीलंका की वित्तीय राजधानी पूछ लिया जाता है तो आप कोलंबो के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब श्रीलंका की जो आधुनिक राजधानी है वो क्या है, जयवर्धनेपुरा कोटे। जयवर्धनेपुरा कोटे भी कह सकते हैं, कोटे भी कह सकते हैं। ठीक है, मुद्रा कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंकी रुपया। ठीक है, जो श्रीलंका जो हमारा देश है पड़ोसी, वहां की जो मुद्रा है वो क्या है, श्रीलंकाई क्या है, रुपया है। संसद कौन सी है दोस्तों, पार्लियामेंट संसद है। भाषा कौन सी है, सिंगली या तमिल। ठीक है, सिंगली और तमिल भाषा का क्या है वहां पर ज्यादा चलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मालदीव। मालदीव क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, टूरिस्ट के हिसाब से काफी अच्छा डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर घूमना क्या है, बिल्कुल सस्ता है, यानी कि आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, समुद्री इलाका है, और क्या है एक छोटा सा बिल्कुल टापू है। तो मालदीव क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, माली है। मुद्रा क्या है, मालदीवीन रुपया। ठीक है, और संसद कौन सी है, मजलिस। मजलिस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि जो मजलिस जो संसद है वो किस देश की संसद है, तो वहां पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपने क्या है, अगर आपने ये वीडियो देखी है या आपने कहीं और से पढ़ा है तो आप आसानी से क्या है टिक कर दोगे। तो वहां की जो भाषा है दोस्तों वो कौन सी है, दी हेवी। ठीक है, वहां की जो भाषा है वो कौन सी है, दी हेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन दोस्तों मैंने आपको इसलिए नहीं बताया,
आपके मन में भी होगा कि जो भारत की जो सीमा है वो क्या है, 9 देशों से लगती है। दोस्तों भारत की जो सीमा है वो क्या है, 9 देशों से लगती है, यानी कि 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अभी यहां पर चीन है। देखो चीन की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, बीजिंग है, और मुद्रा क्या है, युआन है। ठीक है, विश्व के अंदर क्या है, चीन की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर क्या है, भारत आता है। जो चीन की राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है, बीजिंग है। मुद्रा कौन सी है, युआन है। संसद कौन सी है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और जो भाषा है वो क्या है दोस्तों, चीनी भाषा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री होता है, और ये यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। थंबनेल पर जो भी एग्जाम मैंने लिखा है आप उन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।